वेलकम टू टेक्निक स्मार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेसिक जो था हमारा पीएचपी का वो कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने वो ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो वो ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक पीएचपी एंड माइस्कल डेटाबेस के थ्रू एक ब्लॉग क्रिएट करना सीखेंगे। तो ये कंप्लीट एक ब्लॉग का डेमो है, इसके बाद ट्यूटोरियल्स वन बाय वन आते रहेंगे। तो कंप्लीट मैं डेमो दिखाना चाहूंगा कि कैसे आप एक ब्लॉग को रन कर सकते हैं, कैसे आप एक ब्लॉग में पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको शेयर कर सकते हैं, रिकमेंडेड पोस्ट, प्रीवियस पोस्ट कैसे यहाँ पे आप डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये कंप्लीट ब्लॉग है जो कि PHP एंड MySQL पे डेवलप है, जो कि बेस्ट रहता है, SEO पर्पज से भी बेस्ट रहता है, और एक लाइट वेट वेबसाइट है। यदि आपको ब्लॉगिंग करनी है, लाइट वेट वेबसाइट बनानी है, तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि आप PHP एंड MySQL का यूज करके एक लाइट वेट वेबसाइट बनाए जो कि आसानी से ओपन हो जाए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या है। ये हमारा इंडेक्स पेज हो गया है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटर, और एंटर करने के बाद मैं इंडेक्स पेज में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट लिस्ट है, ठीक है, पोस्ट लिस्ट है, यहाँ पे आपके टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी कैटेगरीज है, किस कैटेगरीज में लिया है, मल्टीपल कैटेगरीज आप क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन टैग्स, कितने भी टैग्स आप क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी टैग से एसोसिएट करना है किसी पोस्ट को, तो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पेजिंग नेशन मिल जाता है, कंप्लीट जितनी भी पोस्ट होंगी पेजिंग नेशन आप कर सकते हैं, एंड फॉर थ्री ये आपको पेजिंग नेशन कंप्लीट मिल जाता है। करना सीखेंगे कि पेजिंग नेशन कैसे क्रिएट करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक ब्लॉग वेबसाइट के लिए। यहाँ पे आपको सर्च सिस्टम मिल जाता है, जिससे कि आप कोई भी कीवर्ड आप वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉग, एंटर। तो यहाँ पे ब्लॉग से रिलेटेड जो भी है यहाँ पे आ चुका है। सपोज कीजिए मैं कुछ सर्च करता हूँ टेक्नो स्मार्टर, ठीक है, तो टेक्नो स्मार्टर से रिलेटेड जो मेरा कंटेंट है वो इसमें है। तो इसमें आप क्लिक करेंगे, जैसे आप किसी भी पोस्ट को रीड मोर पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, तो वो पोस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपकी कैटेगरीज होती है, तो ये साइड बार है, यहाँ पे रिसेंट पोस्ट आप देख सकते हैं, कैटेगरीज देख सकते हैं। क्या ये आपका एक डिजाइनिंग पार्ट नहीं है, ये एक लॉजिकल पार्ट है, थोड़ा डिजाइन किया हुआ है इसको, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्लीज शेयर के लिए भी आप बटन क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आइकन यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे ही शेयर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि ट्विटर पे क्लिक करते हैं तो ट्विटर पे देखिएगा वहाँ पे चला जाएगा ये ट्विटर पे, और यहाँ पे लिंक आप शेयर कर सकते हैं। तो ये शेयर के लिए भी बेस्ट हो गया है। एक यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट की एड डिस्प्ले करा सकते हैं, और रिकमेंडेड पोस्ट जो होंगे आपके नेक्स्ट पोस्ट जो होंगे, वन बाय वन आपके स्टेप्स होते हैं, तो उनके रिकमेंडेड पोस्ट आप नेक्स्ट पोस्ट मीन्स आपके नेक्स्ट पोस्ट जो होंगे रिकमेंडेड पोस्ट में आएंगे। आप कितने भी पोस्ट, 5 पोस्ट, 6 पोस्ट, 10 पोस्ट, कितने भी पोस्ट हो गए वहाँ पे आप डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको कमेंट सिस्टम मिल जाता है, एक कमेंट सिस्टम आप क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। और नीचे एक बैनर्स ऐड कर सकते हैं ऐड के लिए, ठीक है। ये फुटर हो गया आपका नॉर्मल, एंड यहाँ पे टैग्स हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है, ये SEO फ्रेंडली है कि नहीं, URL जो है SEO फ्रेंडली है कि नहीं। तो URL जो है आपके SEO फ्रेंडली है, क्योंकि आप देख सकते हैं हाउ टू लर्न सी प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, इसमें कोई आइडिया ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपका जब आप लाइव सर्वर पे रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, example.com, ठीक है, यहाँ पे आपका डोमेन आ जाएगा, ये तो ये आपका हो जाएगा पोस्ट का URL कंप्लीट, ओके। तो इस तरीके से हो जाएगा ये, एंड देन यदि आप कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी और टेक्नोलॉजी में जितने भी पोस्ट आएंगे वन बाय वन यहाँ पे आती रहेंगे, ठीक है। तो सर्च इंजन लगा सकते हैं, पेजिंग नेशन मैंने आपने फर्स्ट में बता दिया, और टैग सपोज कीजिए टैग है, तो इसमें टैग से रिलेटेड सभी पोस्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ PHP, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कैटेगरीज असाइन कर सकते हैं, कितनी भी कैटेगरी आप असाइन कर सकते हैं, जैसे PHP असाइन किया हुआ है, ब्लॉग असाइन किया हुआ है, एंड टैग जैसे मैंने PHP पे क्लिक किया तो यहाँ पे टैग आएगा, एंड देन PHP और वेबसाइट UI, ओके। तो PHP से रिलेटेड यहाँ पे मैंने असाइन की हुई है 3 पोस्ट, तो यहाँ पे 3 पोस्ट आ जाएंगे। यहाँ पे आप पेजिंग नेशन ऐड कर सकते हैं, एंड सर्च इंजन ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट पेज पे आपको दिखा दिया है। तो ये आपका नॉर्मल हो जाता है, जो कि आप सीखेंगे, जो कि बेस्ट रहता है सभी ब्लॉगिंग के लिए एक लाइट वेट। तो इसके एडमिन पैनल की बात कर लेते हैं, जो एडमिन पैनल होगा इसका कर लेता हूँ। तो लॉग आउट साइन इन आपका ऐसा होगा, डेमो, ठीक है। तो ये आपका एडमिन पैनल हो जाता है, जो कि लॉगिन हो गया है, डेमो पासवर्ड मैंने दिया हुआ है नॉर्मल, ठीक है। एडमिन पैनल में भी एक साइड बार है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है मेन डैशबोर्ड हो जाता है आप, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरीज हो जाती है, जो कैटेगरीज आपको ऐड डिलीट यहाँ से कर सकते हैं, पेजेस हो जाते हैं,
यहाँ पे आप न्यू पेजेस ऐड कर सकते हैं। यदि आपको यूजर्स को ऐड करना है तो भी यहाँ पे यूजर्स ऐड कर सकते हैं, मोर यूजर्स डैशबोर्ड। अब यहाँ पे शॉर्टकट मिल जाते हैं व्यू आर्टिकल, अगर आपको आर्टिकल्स देखने हैं, ऐड न्यू ब्लॉग पोस्ट, यदि आपको न्यू ब्लॉग पोस्ट को ऐड करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो चलिए वन बाई वन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐड न्यू आर्टिकल, तो यहाँ पे आप अपना आर्टिकल ऐड कर सकते हैं कुछ भी, जैसे हाउ टू क्रिएट ब्लॉग इन PHP, ओके। देन आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कुछ भी जो आपको लेना है डिस्क्रिप्शन, वो मेटा डिस्क्रिप्शन आपका होगा जो आपके टाइटल के नीचे दिखाई देगा। और मेटा डिस्क्रिप्शन को हमने वहाँ पे भी यूज किया है मेटा टैग के साथ, जो कि SEO के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। SEO को ध्यान करते हुए ये ट्यूटोरियल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कुछ भी, आप सपोज कीजिए मैं ऐसे ही दे देता हूँ कुछ भी रैंडमली। तो ये आपका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो गया। तो यहाँ पे आपको HTML एडिटर मिलता है, जिस HTML एडिटर मिलता है जिसके थ्रू आप कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक हेडिंग्स कुछ भी आप ले सकते हैं, ऐसे आप हेडिंग यूज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर मिल जाता है। कैटेगरीज जो भी आप कैटेगरीज वहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे शो होगी। तो कैटेगरीज में कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, PHP, HTML, तो यहाँ पे कैटेगरी ले सकते हैं, एक से ज़्यादा कैटेगरी आप डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे टैग्स आपको किस तरीके से देनी है, सेपरेटेड बाय कॉमा, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्लॉग PHP, ओके MySQL, तो इस तरीके से आप टैग दे सकते हो। उसके बाद आपको जो है सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद आप देख रहे कि यहाँ पे सेव हो चुका है। उसके बाद आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के बाद जो आपकी मैनुअल कस्टमाइजेशन, यदि आपको स्लग है, सपोज कीजिए आपको स्लग को कस्टमाइज करना है किसी भी तरीके से, आपको स्लग को कस्टमाइज करके करना है, सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे PHP लेना नहीं है। मैनुअल कस्टमाइज क्यों होता है स्लग? SEO पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिकल स्लग को मैनुअल कस्टमाइजेशन करते हैं। सपोज कीजिए मेरा UR बहुत बड़ा है, उसमें क्या हो रही है, उसमें प्रॉब्लम आती है। जितना छोटा आप UR रखोगे, जितना कम वर्ड्स आप UR में यूज करोगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, SEO के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, आपकी वेबसाइट ज्यादा रैंक करेगी। तो आप यहाँ से स्लग को मेंटेन करके रख सकते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं स्लग को, मेटा डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है, तो प्रॉपर हो जाता है। यहाँ पे आप कैटेगरीज को चेंज कर सकते हैं कि कैटेगरीज आप और टैग्स ऐड कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर आपका अपडेशन हो जाता है। डिलीट कर सकते हैं, अब यदि आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद कैटेगरीज में आइए, कैटेगरीज ऐड न्यू कैटेगरीज आपको ऐड, तो कैटेगरीज में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं। सपोज कीजिए मुझे कोई कैटेगरी ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे कैसे ऐड करूँगा, जैसे मुझे कैटेगरी ऐड करनी है एंगुलर, तो ठीक है मैंने एंगुलर कैटेगरी ऐड कर दी, तो ये कैटेगरी होगी, उसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसे आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। अब वो एंगुलर कैटेगरी जो होगी मुझे यहाँ पे शो होगी एंगुलर, तो यहाँ पे मैं एंगुलर भी ले सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे कैटेगरीज भी डिस्प्ले हो जाएगी, कैटेगरीज हो गया, पेजेस हो गया। यदि आपको न्यू पेज क्रिएट करना है तो पेज जो होता है ब्लॉगिंग वेबसाइट में, पेज भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका पेज टाइटल हो जाएगा, कुछ भी आप पेज क्रिएट कर लीजिए जो आपको क्रिएट करना है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सेम ही हो जाता है पर्पज, जैसे आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हो वहाँ पे पेज दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेज भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे यूजर्स, यदि आपको न्यू यूजर्स क्रिएट करना है, यूजर नेम पासवर्ड कंफर्म ईमेल देकर आप ऐड यूजर्स कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितनी पोस्ट आपने अपडेट की है, ब्लॉग विजिट कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रॉपर हो जाता है, तो ये आपके शॉर्टकट मिल जाते हैं आपको, ओके। तो साइट मैप मिल जाता है आपको, इसमें लिंक साइट मैप, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं सभी पोस्ट की, पेजेस की साइट मैप आपको यहाँ पे मिल जाता है। कोई प्रॉब्लम या हो कि आप किसी भी सर्च इंजन में साइट मैप को इंडेक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपको यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही डिस्प्ले किए, यदि आपने 10 पोस्ट डिस्प्ले करानी है ऑन पेज पे, तो यदि आपको एक पेज पे 10 पोस्ट डिस्प्ले करानी है तो भी आप आसानी से करा सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पेज पर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है सेट ब्लॉग पोस्ट लिमिट, तो यहाँ पे आप लोगों की सेट कर सकते हैं, लिमिट 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, तो कुछ भी आप सेट कर सकते हैं। चलिए 5 सेट कर देते हैं यहाँ पे, और 5 सेट करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे तो 5 पोस्ट यहाँ पे आ चुकी हैं। तो इस तरीके से पेजिंगनेशन अपना काम करेगा, जो कि बेस्ट होता है किसी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए। और यहाँ पे आपको सर्च इंजन मिल जाता है ब्लॉग, जिसमें आप फास्ट सर्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सी शार्प
ठीक है, तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। अब सर्चिंग का एक बात और बताना चाहूँगा मैं, जैसे ये एडमिन पेज है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ लिख दे देता हूँ, हाउ मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा कंटेंट देता हूँ इसी को, सेम ओके फर्स्ट, और मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब डायनेमिक वेबसाइट में मेरा होस्टिंग एक कीवर्ड दे देता हूँ मैं, होस्टिंग भी है मेरा, होस्टिंग हो गया मेरा, डोमेन हो गया कि उसमें मुझे नीड है डोमेन होस्टिंग लाइव रन करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया मैन्युअली सर्चिंग के लिए कि सर्च कैसे करेगा वो। यूआरएल में टाइटल में मैंने कोई डोमेन होस्टिंग कीवर्ड नहीं लिया, टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे कीवर्ड देते हैं, तो कीवर्ड्स में भी मैं डोमेन होस्टिंग नहीं दूंगा, वेबसाइट दूंगा, ओके। एंड डायनामिक दे देता हूँ कीवर्ड डायनामिक, ओके, देन सबमिट कर देता हूँ मैं जैसे ही, तो सबमिट करने पे आप देखिएगा कैसे ये प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, डायनामिक है, वेबसाइट है, तो यहाँ पे कोई भी डोमेन होस्टिंग नहीं है। यदि कोई सर्च करता है आपकी वेबसाइट पे, सर्च करता है कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट पे सर्च करता है कि होस्टिंग, सपोज कीजिए होस्टिंग कीवर्ड उसने सर्च किया, और सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं वो इसी पोस्ट को दिखाएगा, क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन में, मतलब यहाँ पे टाइटल में नहीं है और टैग्स में नहीं है, कैटेगरी में कोई होस्टिंग नेम से कोई कीवर्ड नहीं है, बट यहाँ पे ये होस्टिंग यहाँ पे है, होस्टिंग डोमेन। तो सर्च इंजन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, वो टैग्स को चेक कर रहा है, कैटेगरी को चेक कर रहा है, टाइटल को चेक कर रहा है, और लॉन्ग कंटेंट को चेक कर रहा है, उसमें से आपके जो भी आप सर्च कर रहे हो वो वहाँ पे निकाल के दे रहा है। जैसे होस्टिंग आपने सर्च किया तो होस्टिंग कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो कंटेंट में, टाइटल में, टैग्स में, सब में देखेगा, जिससे भी रिलेटेड होगा वो उसको पोस्ट को शो करा देगा सबसे पहले। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इसका, सर्च इंजन का, जो कि आपके लिए बेस्ट है। देखिए, यदि आपको ब्लॉगिंग के लिए कोई भी वेबसाइट बनानी है या अदर कोई वेबसाइट बनानी है, सिंपल नॉर्मल कोई भी वेबसाइट बनानी है, तो आप इस तरीके से सीख के बना सकते हैं। तो ये एक डायनेमिक ब्लॉगिंग सिस्टम हो जाता है कंप्लीट, जिसकी हेल्प से आप कोई भी अदर वेबसाइट आप डायनेमिक बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में आपको बताया हुआ है, बेसिक बताया हुआ है, वो उसका भी यूज कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। अब मैं इसमें आपको दिखा देना चाहता हूँ, तो ये कंप्लीट हो जाता है, शेयरिंग हो गया, इसमें रिकमेंडेड पोस्ट हो जाता है, जो नेक्स्ट पोस्ट आती है उनको हम रिकमेंडेड पोस्ट बोलते हैं, जो नेक्स्ट 5 पोस्ट 10 पोस्ट कितनी भी आप पोस्ट ले सकते हैं। प्रीवियस पोस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रीवियस पोस्ट आपको, यदि आपको डिस्प्ले करानी है, प्रीवियस पोस्ट को आपको डिस्प्ले करानी है, जो पिछले 5 पोस्ट है 10 पोस्ट है जो भी आपको डिस्प्ले करानी है वो यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। यदि आपसे कुछ स्कीप हो गया है, ठीक है, तो आप प्रीवियस पोस्ट में जाकर वहाँ पे आकर देख सकते हैं। एंड देन रिसेंट पोस्ट का मिल जाता है, कैटेगरीज की आप लिमिट सेट कर सकते हो, टैग्स की आप लिमिट सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे एड्स लगा सकते हो, बैनर्स एड लगा सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट सिस्टम हो जाता है मेरे ख्याल से, इसमें कुछ अब रहा नहीं है, इतना ही होता है ब्लॉगिंग सिस्टम में, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपका कंटेंट होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ, यदि आप एक बिगनर है और PHP एंड MySQL डेटाबेस से वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरा सजेशन वो होगा, तो मैं ट्यूटोरियल्स की आपको लिंक दे दूंगा कंप्लीट, तो PHP के सभी ट्यूटोरियल्स आप क्लियर कर लीजिए। यदि आप गूगल पे सर्च करते हैं PHP टेक्नो स्मार्टर, तब भी आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे प्रॉपरली, ठीक है। यदि आप एक डेवलपर है और बेसिक क्लियर किया हुआ है और आप अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं, तो इसके ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे। यदि आप एक डेवलपर है और आप इसको बाय करना चाहते हैं, इस कंप्लीट सोर्स को बाय करना चाहते हैं, इससे कुछ सीखना चाहते हैं और टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते आपका ट्यूटोरियल्स में, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए आप फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, या आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको शेयर कीजिए, यदि आपको लर्न करना है तो इसके बैक टू बैक ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे, इनिशियल लेवल से डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, एडमिन पैनल कैसे क्रिएट करते हैं, होम पेज कैसे बनाते हैं, टैग्स, कैटेगरी, रिकमेंडेड पोस्ट, रिसेंट पोस्ट, इनके सभी के ट्यूटोरियल्स आएंगे। तो सबसे पहले इस ट्यूटोरियल को लाइक कर दीजिए, लाइक करना तो बनता ही आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 1x1 कैसे आप एक ब्लॉगिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, एक प्रॉपर ब्लॉगिंग सिस्टम आप क्रिएट कर सकते हैं, वो भी PHP एंड MySQL के द्वारा। यदि आपको सीखना है तो नीचे जाके कमेंट कीजिए, आई वॉन्ट टू लर्न।
यदि आपने फंक्शनल पार्ट को सीख लिया तो डिजाइनिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। डिजाइनिंग आप नॉर्मल कर सकते हो, 5 डेज में आप डिजाइनिंग सीख सकते हो। 5 डेज में डिजाइन करने के बाद आप नॉर्मली कोई भी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शनैलिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है, फंक्शनैलिटी आप सीखिए। सबसे पहले इस ट्यूटोरियल को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें हम आपको कम्प्लीटली 1x1 बताऊंगे कैसे एक ब्लॉगिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको ये कम्प्लीट प्रोजेक्ट परचेज करना है तो नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर आप परचेज कर सकते हैं। फेसबुक पर आकर कैसे भी आप मैसेज करके यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, यदि आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है। और जिसको लर्निंग करनी है तो लर्निंग के लिए आपको 1x1 ट्यूटोरियल आते रहेंगे। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक यू।